अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपके सामने ये मैं क्रोम ओपन करने लगा हूँ और इसमें आपके सामने जो लाइसेंस है वो आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने DLMS ये हमने चार लफ्ज़ों की मतलब जो है ये वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लाइसेंस के हवाले से वेबसाइट है। हम इस पे जा रहे हैं और इस वेबसाइट पे हमारा लर्नर लाइसेंस बनेगा। सो चलते हैं। ये आपके सामने उनकी ड्राइविंग लाइसेंस की एक वेबसाइट है वो आ गई। हमने इस पर क्लिक किया। ये मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे रजिस्टर आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंटर करना है अपना नेम, CNIC, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और नीचे कैप्टा। और ये सारा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने 6-7 मिनट की वीडियो बनाई है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने अपना नेम इंटर किया। मेरा नाम अहमद हसन है, तो मैंने अपना नाम अहमद हसन जो है ना वो इंटर करना है। और उसके बाद मेरा CNIC नंबर है, वो मैंने अपना CNIC नंबर मैंने अपना इंटर किया। उसके बाद मैंने अपना ईमेल इंटर किया। और अपना ईमेल इंटर करने के बाद उसके साथ जो टोटल है ना, जिस तरह जो भी आपका ईमेल है वो आपने प्रॉपर सही तरह से लिखना है। अगर आपका ईमेल नहीं है तो किसी और का ईमेल लगा ले, कोई इशू नहीं है। इस पर कोई अपना मसला नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि यार मैंने अपना ईमेल ही लगाना, मेरा तो ईमेल बना नहीं हुआ तो मैं कैसे बनाऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी ईमेल लगा सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर है आपका, वो फ़ोन नंबर देना जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी वक्त, ताकि कोई टेक्निकल इशू हो तो वो आपको ना अपना कॉल वगैरह कर दें। उसके बाद जेंडर है वो मैन, आपने मेल है फीमेल है जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आपका मतलब तकरीबन 6 इंचों का होना चाहिए, 6 से 8 इंचों का। तो उसमें आप अपना उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लगा सकते। उसमें एक अपना होना चाहिए, जैसे कि मतलब कोई भी आप लगा सकते हैं, सवालिया निशानी इस तरह का कोई इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। और एक ABC मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए इसमें लाजमी। तो वो फिर आपका पासवर्ड है, पासवर्ड एक्सेप्टेबल होता है और बहुत ही अच्छा पासवर्ड वो बनता है आपका। उसके बाद में हमने नीचे कैपिटल लिखा। कैपिटल लिखने के बाद जो है ना वो क्योंकि मैंने आपको ये सारा तरीका कार बताया है कि किस तरह जी आपने ये पूर करना है। ये हमारा जो है ना वो रेडी हो गया हुआ है। और मैंने तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने बनाया हुआ है ना, तो मेरा फिर ये इशू आएगा। मैंने अपना CNIC नंबर ऊपर इंटर किया हुआ है। ये आपके सामने मैं रियल बना रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। मैं लॉगिन करूँगा, सिर्फ लॉगिन। जो हमने ईमेल इंटर किया था उसी ईमेल के साथ मैंने लॉगिन करना है। इसको नीचे कैप्टा इंटर करना है। कैप्टा इंटर करने के बाद भाईजान मैंने जो है ना लॉगिन कर लेना है। अब कैपिटा हम इंटर कर रहे हैं। कैपिटा इंटर होने के बाद जो है वो फिर लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो फिर चलेगा। तो अब ये कैपिटा जी है इंटर हो गया हुआ है। इंटर होने के बाद मैंने साइन इन किया। तो उसके बाद ये लाइसेंस एप्लीकेशन है ना ये ओपन हो गई है। अब ये हमने न्यू लर्नर लाइसेंस आप लोगों के लिए जो मैं एप्लीकेशन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने न्यू लर्नर पे मैं क्लिक करूँगा। ये जी आगे न्यू लर्नर की एप्लीकेशन की जो है ना ये हो गया हुआ है सारा। मतलब जो जो प्रोसेस है वो ओपन हो गया हुआ है। प्रोसेस पेज जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे हमने सबसे पहले CNIC नंबर, फिर नेम है, फिर उसके बाद नीचे फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर लेडी बनवा रहे तो हस्बैंड नेम वो इंटर करेगी। ठीक है जी। अभी सबसे पहले हमने अपना CNIC नंबर जो हमने पीछे इंटर किया था वही हमने यहाँ पे प्रोसेस है। मैंने आपको सामने 6-7 मिनट की वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह आपका जो है वो रेडी हो जाएगा बिल्कुल। और 6 से 7 मिनट इससे भी कम, क्योंकि मेरा मोबाइल है, मैंने अपना मोबाइल पे बनाया है ये। क्योंकि मैंने वो पहले बनाया हुआ ना, तो फिर उन्होंने दोबारा से मतलब वो उन्होंने कहा पता नहीं किसी ने, इसने कोई और लाइसेंस बनवाना है तो उसने मुझे आगे वो जीप वगैरह इस तरह का ऑप्शन दे दिया हुआ है। हालांकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलें 1 मिनट हम बैक चलते हैं। बैक चल के मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो है ना प्रोसेस। ये न्यू लर्नर यहाँ पे CNIC नंबर, नेम, फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मेल,
जेंडर यहाँ पे आपने सब ये हाइट है, ये हाइट है जी, आपने ज्यादा से ऊपर लिखा हुआ है ना अपना नाम सिटीजन टाइप, तो आपने सिविलियन लिखना है। अगर आप एम्प्लॉय हैं सरकारी, तो आपने सरकारी एम्प्लॉय लिखना है, ठीक है। उसके इसमें कुछ खास बेनिफिट होते हैं, अगर आपकी अपने हाइट जो विचल टाइप है वो आपने ऑटोमेटिक रखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंपल्स जो अपना परमानेंट एड्रेस है वो इंटर करना है, वो कोई भी इंटर करने कोई इशू नहीं है। नीचे जो है करंट एड्रेस है, उसके बाद नीचे आपने सबसे पहले याद रखने की जो पिक्चर है वो 200 KB 300 KB हो या 1 MB, 2 MB से मतलब कम हो, KB में आप रखना कोशिश करें, 200 KB मतलब कंप्रेस कर लें इन्हें, अपनी तीनों पिक्चर पहले क्लिक करके उनको कंप्रेस करें। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है ना आप अपना अपलोड करें, अपलोड करने के बाद आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेटिव, तो जो वो क्लिक करेंगे ना तो फिर आपके सामने जो है ना ये आप सबमिट कर देंगे, क्योंकि मेरा हुआ हुआ तो मैं नहीं कर सकता। तो जी आपकी ये मैं जो दिखाने लगा ना, इस तरह की जो आपके सामने है ना ये नज़र आ जाएगा जी, ये इस तरह का शोइंग 1-to-1 एंट्रीज, ठीक है जी। अब मैंने प्रीवियस जो एंट्री है ना मेरी, मैंने क्योंकि मैं अपने नेम पे क्लिक करूंगा एमएसएन, तो मेरे जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखें कि ये जो है ना मेरा वो नीचे आ गया हुआ है, मेरा पासपोर्ट मेरा जो लाइसेंस है वो रेडी हुआ हुआ है। तो ये देखें वो प्रिंट का ऑप्शन उसने इसलिए दिया हुआ क्योंकि मैंने फ़ी ऑलरेडी पे की हुई है, तो आप फ़ी कहीं से भी पे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, मेरी शॉर्ट जो रखी हुई है यहाँ पे शॉर्ट दी हुई है, उसमें बिल्कुल ईजी 30 सेकेंड की वीडियो है, उसमें